देखिए लगातार हम काफी दिनों से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से नारा दे रहे हैं कि वोकल फॉर द लोकल्स, हम वही एक चीज को लेकर चल रहे हैं और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि जो भी शॉपिंग करनी है अपने आस पड़ोस की दुकानों से कीजिए, अपने छोटी छोटी मार्केट है वहां कीजिए, क्योंकि इस वक्त जो सीजन होता है दिवाली का सीजन है या नवरात्रे हो गए हैं जैसे करवा चौथ का सीजन है, जो दुकानदार हमारे लोकल बैठे होते हैं उनको पूरे साल की एक उम्मीद होती है कि इस वक्त काम की स्पीड बढ़ेगी और लोगों का काम चलेगा। आप ऑनलाइन शॉपिंग में देखिए तो ऑनलाइन शॉपिंग में इस वक्त फ्रॉड काफी हो रहे हैं, लोग सामने नहीं आते हैं, लेकिन कुछ जो सामने आते हैं आपके मीडिया के माध्यम से ही आते हैं कि कोई चीज मंगवाते कुछ है निकलता कुछ हो रहा है, और उसमें से जो इफेक्ट है वो कस्टमर पे पड़ता है। छोटा जो आदमी को चीज मंगवाता है खराब निकले वो आदमी एक्सचेंज भी नहीं हो रही है, अगर कुछ एक्सचेंज होती है तो साइज सेम नहीं आते हैं, साइज अगर सेम आ जाए तो कुछ प्रोडक्ट में ही खराबी निकलती है। ऑनलाइन का एक माध्यम हमने बनाया था कोरोना के कारण, जो दो साल कोरोना निकाले थे उसमें हमने एक प्रावधान बनाया था कि लोगों को एक दूसरे का टच नहीं करना है, लोगों के पास नहीं जाना है, लोगों के साथ टच नहीं करना है, लेकिन लोगों ने इसको एक अपनी आदत बना ली है, रूटीन बना ली है। अब छोटे से छोटा बच्चा भी घर बैठ के कुछ ना कुछ मंगवाता रहता है, और वो भी एक चीज मैं आपके माध्यम से बता दूं कि अननेसेसरी चीजें मंगवाते हैं। अगर आप अपने आस पड़ोस की दुकानों पर जाएंगे जो चीज आपकी रिक्वायरमेंट है वही लेंगे, जो साइज चाहिए आप वही लेंगे, लेकिन ऑनलाइन आप खोलोगे एक चीज देखोगे उसके साथ बताया जाएगा कि दूसरी चीज के साथ ये फ्री है, तीसरी चीज के साथ ये फ्री है, और अननेसेसरी आपका जो महीने का बजट है वो भी बिगड़ता है, खर्चा बढ़ता है। हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने जो भी खरीदारी करनी है वो लोकल दुकानदार से कीजिए, क्योंकि लोकल दुकानदार ही आपका जब कभी कोई हड़ताल होती है जब बंद होता है यही छोटे छोटे दुकानदार आपके काम आते हैं। अब देखिए आपने ऑनलाइन की शॉपिंग के बारे में बता दो, जो छोटे छोटे दुकान है इस वक्त जो चंदा लेने आते हैं या कुछ लेने आते हैं, लोगों का काम नहीं होगा तो लोग कहां से इसको बजट में डालेंगे, कहां से देंगे। बेरोजगारी का मेन दूसरा कारण यही बढ़ रहा है, क्योंकि जिसकी दुकानों पे 8-8 10-10 लड़के काम करते थे अब 2-2 3-3 लड़के काम कर रहे हैं, 6-7 लड़के उनको भी एग्जिट करना ही पड़ रहा है। इसका ऑनलाइन की वजह से रूटीन में लोगों के काम का काफी फर्क पड़ रहा है, हम यही कहना चाहते हैं कि, और खास करके अपने जो लोकल लोग हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि जो अपने आस पड़ोस में दुकानें हैं वहीं पे जाके कृपया शॉपिंग कीजिए।